हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और आप देख रहे हैं एनिमल दुनिया, जिसमें मैं आपको अमेजिंग अननोन और वंडरफुल एनिमल फैक्ट्स बताता रहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो जिसका टाइटल है 10 सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट पैंगोलिन्स। फैक्ट नंबर 1, हम ह्यूमंस के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, नोज, टंग, स्किन, ईयर्स और आईज। हमारे जो कान, नाक और आंख हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इन तीनों का यूज बखूबी करते हैं और लगभग हर जानवर इनका यूज करता है। लेकिन ये जो पैंगोलिन्स होते हैं, ये भी उनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति तो कमाल की होती है, वो बाकी सभी जीवों से बहुत अच्छी तरीके से स्मेल कर पाता है। फैक्ट नंबर 2, हम जब बच्चे थे तो हम चल नहीं सकते थे, इसलिए हमारी माँ हमें उठाकर चलती थी। वैसे जानवरों में गोरिल्लास, मंकीज, चिंपैंजीज, ये सभी अपने बच्चों को उठाते हैं। आप बोल रहे होंगे सिर्फ यही जानवर, लेकिन ऐसा नहीं है। लायन, टाइगर, वो भी अपने बच्चों को उठाती है अपने मुंह की मदद से। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो पैंगोलिन मदर्स होती है ना, ये भी अपने बच्चों को उठाती है, वो भी उनके पीठ पे रख कर। हाँ, वो उन्हें उनकी पीठ पे रखते हैं और 3 से 4 महीनों तक उन्हें उसी तरह ट्रैवल करवाने में मदद करते हैं। फैक्ट नंबर 3, मैं आपको फैक्ट बताने से पहले पैंगोलिन की एक स्पीशीज के बारे में बता देता हूँ, ट्री पैंगोलिन, जो कि पेड़ों पे रहते हैं। तो अब हम फैक्ट पे आते हैं। जो नॉर्मल पैंगोलिन्स होते हैं, उनके जो आगे के हाथ होते हैं, उनपे कर्व क्लॉज होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करने में या फिर गड्ढा खोदने में मदद करते हैं। लेकिन ये जो ट्री पैंगोलिन्स होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं ना, वो उनके पीछे के पैरों में होते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से क्लाइंब कर सके। साथ ही साथ उनकी पूंछ पे एंड में एक सॉफ्ट टिप होता है जो उन्हें क्लाइंब करने में हेल्प करता है। फैक्ट नंबर 4, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीकन लायन, अफ्रीकन एलिफेंट, ये सब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि अफ्रीका में 4 स्पीशीज रहती है पैंगोलिन्स की? उनमें से 2 स्पीशीज पेड़ों पर रहती है और 2 स्पीशीज ग्राउंड यानी कि जमीन में गड्ढा खोद कर रहती है। फैक्ट नंबर 5, ये जो पैंगोलिन्स होते हैं ना, ये खुद के बरोस कभी भी नहीं बनाते हैं। हाँ, उनके पास नाखून तो होते हैं गड्ढा खोदने के लिए, लेकिन वो खुद के कभी भी बरोस नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरे जानवरों के बरोस में जाके रहते हैं, या फिर केव्स में, या फिर 2 पत्थरों के बीच में, या फिर कभी कभी तो टर्माइट कॉलोनीज के अंदर भी रह जाते हैं जो कि खाली हो चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम सभी को पता है कि ये जो पैंगोलिन्स हैं, ये मैमल्स हैं और ये एक लौते ऐसे मैमल्स हैं जिन पे स्केल्स पाए गए हैं, जैसे कि स्नेक्स पे होता है उन्हीं तरह इसके पास भी स्केल्स हैं। तो ये जो जानवर है ना, ये नियर जैसे कि एंट ईटर्स की तरह दिखते हैं या फिर आर्मोडिलोस, लेकिन ये इनसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि ये तो क्लोजली रिलेट करते हैं कार्निवोरस से। वैसे हमारे देश यानी कि इंडिया में इन पैंगोलिन्स को पकड़कर उनके स्किल्स को बेचा जा रहा है, इसलिए वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेयर है। फैक्ट नंबर 7, ये जो पैंगोलिन्स हैं, ये 4 पैरों पे चलते हैं, लेकिन उनके पीछे के यानी कि हिंड लेग्स जो होते हैं, वो उन्हें सबसे ज्यादा मदद करते हैं चलने में। वैसे वो अपने फ्रंट लिम्स को भी यूज करते हैं, लेकिन वो अपने हिंड लेग्स को ज्यादा यूज करते हैं, और चलने में उनकी पूंछ भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। फैक्ट नंबर 8,
हम सभी को ये तो पता है कि ये जो वेदर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, वो क्लाइमेट की तरह कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। तो ये जो वेदर है वो बहुत लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वेदर्स पसंद होता है, उसी तरह जानवरों की भी पसंद होती है। ये जो बड़े बड़े यानी कि अडल्ट पेंगुलिन्स होता है उन्हें कोल्ड वेदर ज्यादा अच्छा लगता है, और जो यंग होता है यानी कि जो रिसेंटली पैदा हुए होते हैं उन्हें वार्म वेदर ज्यादा अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 9, एंट ईटर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंट तो नहीं साथ ही साथ कभी कभी टर्माइट्स भी ईट करते हैं। उनकी लंबी जीभ उन्हें उनके होल्स में अंदर जाकर उन्हें पकड़ने में आसानी होती है क्योंकि उनकी जीभ बहुत ही ज्यादा स्टिकी होती है। उसी तरह ये जो पेंगुलिन्स होते हैं ना इनकी भी जीभ बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, ये भी एंट ईटर्स की तरह ही एंट और टर्माइट को ईट करते हैं, और इनकी जीभ भी बहुत ही ज्यादा स्टिकी होती है। वैसे देखा जाए तो शरीर को छोड़कर एंट ईटर्स और पेंगुलिन में ज्यादा फर्क नहीं है। फैक्ट नंबर 10, ये जो पेंगुलिन्स होते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास स्केल्स होते हैं और वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हैवी बना देते हैं, इसलिए वो कभी भी तेज चल भी नहीं पाते हैं। तो वो खुद को बचाने यानी डिफेंड करने के लिए एक बॉल की तरह रोल कर देता है जो कि एक बॉल की तरह ही दिखता है, और उनके स्केल्स इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि उन्हें काटना किसी जानवर की तो बस की बात ही नहीं है, इसी तरह वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये था आज का मेरा ये वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आपको मेरी न्यू अपडेट्स तुरंत मिल जाएगी। तो बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।